हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो उनसे इसकी जानकारी लेंगे कि यहाँ विकास के नाम पे कहीं ना कहीं विश्वास खो दिया गया है, उस पे क्या कहेंगे आप? विश्वास यहाँ ऐसा है कि आज से 60 साल की रास्ता है जो है। 60 साल में इतने दिन से हड़पी गई थी जमीने, रास्ता नहीं निकल रहा था। किसी तरह से SDM से आदेश करा के ये रास्ता निकलवाया गया। रास्ता निकलवाने के बाद इसके पहले 3-4 साल पहले हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान रामनाथ यादव जी थे, उन्होंने कार्रवाई में डालकर 200 मीटर रास्ता बनवाया, मिट्टी डलवाया। उसके बाद ग्राम प्रधान प्रधानी आ गया, प्रधानी का चुनाव हुआ, दूसरा प्रधान बना, अनीता देवी ने बना। और उसके बाद कि कई बार लोगों ने कहा उनसे कि प्रधान जी इसको बनवा दीजिए, तो कहे चलो ठीक है बनवा देंगे। आज तक 3-4 रोड ऐसी हैं इस गांव में कि बनाई गई हैं JCB से, और हमारे रोड के लिए बताते हैं कि आदमी नहीं मिल रहे हैं। एक सैबिनिया पुलिया से रवनी वाली मेन रोड तक बनाई गई है, एक संतलाल यादव बड़ेपुरा वहां से बनाई गई है राजमणि सिंह के खेत तक, एक मेन रोड हरगढ़ वाली पहली जो है रोड से मुसहर बस्ती तक एक कच्चा मार्ग बनाया गया है JCB से। हमारे यहाँ खरका डाबर में तालाब जो है, तालाब की खुदाई JCB से हुई है। बताइए, हमारे लिए बोलते हैं कि तो आपको बता आदमी दें नहीं मिल रहे हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पे आपको बता दें, तालाब जो है अवैध खुदाई भी कर रहे हैं प्रधान जी। प्रधान जी, यहाँ पे ग्रामीणों का साफ कहना है कि अवैध खुदाई चल रही है, वो भी तालाब में, कहीं ना कहीं JCB से बताया जा रहा है, जबकि वहां के मनरेगा का काम के तहत वहां पे काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको अवैध तरीके से JCB चलाकर जो है खनन किया जा रहा है, अवैध खनन किया जा रहा है। और भी हम जानकारी लेंगे। JCB से खुदवा करके मिट्टी अपने घर के बगल बगल पूरा डलवा लिए हैं। हाँ, अब बताइए ऐसी समस्या में हम लोग क्या करें। इस रास्ते में हम लोग आते जाते हैं तो दिक्कत बहुत है, रास्ता बना नहीं है। हाँ, और इतने गड्ढे हैं कि बरसात में हम लोगों को अगर कोई समस्या आ जाती है तो चारपाई से ले आकर के जाना पड़ता है अस्पताल। हाँ, अगर 8 बजे हम लोगों को रात हो गई, बरसात हो गई, तो हम लोग घर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी समस्या से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि हमारे लोगों की ऐसी समस्या सुनी जाए, ऐसा न हो भाई। कुछ ग्रामीण है, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्या नाम है दादा आपका? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। दादा जी, आप रोड के लेकर क्या कहेंगे सबसे पहले? रोड का साथ बने चाहत बा, प्रधान बनवावत नहीं है तो आप लोग कहते हैं जाके कि आप ऐसे चुप रहते हैं? जाते हैं तो कहते हैं बनेगा, कब समय आए बने। कहते 70 साल से आप लोग वादे करते आ रहे हैं और रोड नहीं कुमारखंड बन पा के रहा है। उम्र कम से कम 70 साल को हो गई है, अभी तक जूता चप्पल हाथ में लेकर चलते हैं बरसात में। तो बताइए दादाजी, ये बूढ़े हैं, आपको बता दें, अगर ये चप्पल कहीं ना कहीं चप्पल हाथ में लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं पैर से जाते हैं, तो पैर से जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिसल जाते होंगे, तो समस्या यहाँ पे उनको गिर जाते होंगे, चोट लग जाती होगी, तो कहीं ना कहीं जख्मी हो जाते होंगे, तो समस्या तो उत्पन्न होती है। क्या नाम है भैया आपका? राम कैलाश यादव। क्या कहेंगे आप इस तरीके के रोड के हालात देख के? अभी इस रोड को भाई बनना चाहिए। प्रधान को कई बार इस रोड के विषय में एप्लीकेशन डाला गया, मगर प्रधान जी इस पर कोई अमल नहीं किए। आज उनकी 3 साल प्रधानी हो गई ना भाई, 3 साल हो गई, मगर वो आनाटानी कर रहे हैं। बाकी आपके सामने जो है JCB द्वारा जो है एक सड़क पास की है कम से कम 1.5 किलोमीटर का तालाब वो खुदवाए, कम से कम 7-8 दिन JCB चली कि 10 दिन JCB चली वो खुदवाए। एक यहाँ जो है आपके सामने तालाब, उधर दिखाइए भाई साहब, उधर दिखा दीजिए कैमरा। हाँ, तालाब है, एक बिल्डिंग तालाब के अंदर बनी है, उसका मार्ग निकला है पक्की सड़क से सीधा उस ठाकुर जगदीश सिंह ठाकुर हैं उनके घर तक बनी जो है रोड निकाली गई। एक संतलाल यादव जो कि भाई साहब नागेंद्र ने बताया, राजमणि ठाकुर के एक चक तक बनी। हाँ, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जो इन्होंने हल किया, बकाया इस रोड पर कोई अमल नहीं किए। कोई अमल नहीं किया, मतलब सभी जगह का चमका दिया है रोड। कहना कहना ये है कि सभी जगह का चमक गया है रोड, लेकिन यहाँ पे वोट लोग नहीं दिए हैं। आपको बता दें, इस वजह से गुस्सा के आपको बता दें ये निर्माण नहीं करवा पाए हैं प्रधान जी। तो इस तरीके के लोग यहाँ पे उनसे गुस्सा होके नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि
कि सच जो है सच आना चाहिए सामने। क्या नाम है भैया आपका? रमेश कुमार। रमेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरगढ़। हरगढ़ के रहने वाले हैं, तो आपका भी घर वही है? हाँ। अच्छा, तो आपको क्या समस्या है जब यहाँ से जाते हैं आप? अरे जाए था चप्पल हाथ जूता में लेके जाए थे, गाड़ी फंस जाती। तो देख लीजिए, सभी का कहना यही है कि चप्पल जो है हाथ में लेके जाते हैं बच्चे खुद। आपको बता दें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खुद चप्पल जो है वो हाथ में लेके आ रहे थे। तो हम भैया का क्या कहें, भैया मान लीजिए तो बड़े हैं लेकिन वो छोटे बच्चे हैं जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है जाए में। पढ़ने जाते हैं तो उनको समस्या यहाँ पे हो जाती है। अच्छा अच्छा, आवाज की बात करें तो आवाज मिला है आपको? नहीं, आवाज भी नहीं मिला। शौचालय है? नहीं, अब शौचालय भी नहीं। शौचालय भी नहीं? शौचालय नहीं। सामुदायिक शौचालय? कोई नहीं। सामुदायिक शौचालय आवाज रहा काट दे। अच्छा, आवाज आया भी काट दिए? क्यों काट दिए? पता नहीं, प्रधान जी काट दिए। प्रधान जी काट दिए? प्रधान जी और सेक्रेटरी मिल गए? प्रधान जी सेक्रेटरी मिल गए। तो बता दें आपको, प्रधान जी और सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी बोलने वाले वो बता दें यहाँ पे नाम कटवा देते हैं गरीबों के और इस तरीके से हरण कर रहे हैं उनका। बता दें आपको कि ये रोड को एक बनवा नहीं पा रहे हैं और ना तो शौचालय बना है और ना ही सामुदायिक शौचालय बना है और ना ही किसी को, बता दें यहाँ पे किसी को एक भी आवास मिला है।